बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता राहुल रॉय ने अपने करियर की शुरुआत आशिकी फिल्म से की थी, जिसके गाने काफी सुपर डुपर हिट रहे थे और ये फिल्म भी जमा दिलों की धड़कन बन गई थी, जिसमें हमें राहुल रॉय आशिकी करते हुए दिखाई दिए थे, जिनकी ये आशिकी दर्शकों को काफी रास आई थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिल्म में आशिकी करते नजर आए राहुल रॉय को अपनी निजी जिंदगी में आशिकी बिल्कुल भी रास नहीं आई। तभी तो इन्हें हर रिश्ते में धोखा ही मिला है, जिसने इन्हें तोड़ कर रख दिया। इसीलिए आज हम आपको राहुल रॉय के अब तक के सभी रिश्तों के बारे में बताने वाले हैं और ये भी बताने वाले हैं कि आखिर किस वजह से इन्हें हर बार धोखा मिला। मगर उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। आशिकी फिल्म में अपने फिल्मी सफर की शुरुआत करने वाले अभिनेता राहुल रॉय जितने ज्यादा अपनी फिल्मों को लेकर चर्चाओं में रहे हैं, उससे भी ज्यादा ये अपनी निजी जिंदगी को लेकर और अपने लव अफेयर्स को लेकर चर्चाओं में बने रहे हैं, क्योंकि इनके रिलेशनशिप में कहीं बात बनती थी तो कहीं बात बिगड़ जाती थी, जिसके चलते कभी भी इनके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं रही। जी हाँ, आपको बता दें कि सबसे पहले राहुल रॉय का रिलेशनशिप पूजा भट्ट के साथ रहा था, जिनके साथ राहुल रॉय ने जुनून और तेरी याद आई जैसी कई फिल्मों में काम किया था और इन्हीं फिल्मों के दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक आ गए थे। फिर दोनों एक दूसरे को डेट भी करने लगे थे, मगर दोनों ही अपने अपने काम में काफी ज्यादा बिजी रहते थे और अपने बिजी शेड्यूल की वजह से दोनों के बीच में काफी दूरियां आ गई थीं, जिसके चलते दोनों का रिलेशनशिप खत्म हो गया। मगर आज भी दोनों एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त हैं। मगर राहुल रॉय के लव अफेयर जहां खत्म होते हैं, वहीं पूजा भट्ट के बाद इनकी जिंदगी में आई मनीषा कोइराला, जिनके साथ राहुल रॉय के प्यार के चर्चे काफी सुर्खियों में रहे थे। खबरें तो ये भी थी कि दोनों एक दूसरे से सगाई भी कर चुके थे, मगर दोनों ने इन खबरों को नकार दिया। पर सच्चाई तो यही है कि राहुल मनीषा को डेट कर रहे थे, मगर मनीषा किसी भी रिलेशनशिप में टिक कर नहीं रह पा रही थी, इसीलिए मनीषा ने इन्हें धोखा दे दिया। जिसके बाद राहुल की जिंदगी में आई एक्ट्रेस सुमन रंगनाथन, जिसके साथ भी ये लगभग 3 सालों तक रिलेशनशिप में रहे हैं, वो भी अपने ही फ्लैट में। मगर 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सुमन ने भी इन्हें धोखा दे दिया, जिसके बाद राहुल ने एक्ट्रेस और मॉडल रह चुकी राजलक्ष्मी आर रॉय से शादी कर ली, जिनके साथ इनकी शादी के 14 साल बीत गए और फिर दोनों ने आपसी रजामंदी से डिवोर्स ले लिया। मगर इतने नाकामयाब रिलेशनशिप की वजह से भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए तो आज भी ये मॉडल साधना सिंह को डेट कर रहे हैं और उनके साथ अपने लव अफेयर को लेकर चर्चाओं में हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको राहुल रॉय की रंगीन जिंदगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।